अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। मैंने पुरपुरी नगर के लोगों को कुंफू की ट्रेनिंग देने के लिए खास तौर से दुनिया के प्रसिद्ध कुंफू के ग्रैंड मास्टर को बुलाया है। आज वो अपनी कला का नमूना आप लोगों को देने आ रहे हैं। और अगर आप लोग चाहेंगे तो वो लोग यहाँ अपनी क्लासेस भी खोलेंगे। हम सब कुंफू से अपनी सुरक्षा करना खुद सीख लेंगे, फिर हमें चिंगम सर की कोई जरूरत नहीं। भैया माँ, ऐसे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सब लोग कुंफू सीख लेंगे तो हमारी चोरी का धंधा तो बंद ही हो जाएगा। मोटू चलो जॉन और उसके चमचू से ही डेमोंस्ट्रेशन करवाते हैं, मजा भी आएगा और उन्हें कुछ सबक भी मिलेगा। देखो मैं क्या करता हूँ। अरे ये लड़की हमें कुंफू सिखाएगी। अरे इससे तो हमारे जॉन का नंबर वन ही जीत जाएगा। हाँ हाँ नंबर वन। अच्छा अरे इससे तो मेरा बॉस भी जीत जाएगा। अरे इससे तुम्हारा बॉस नहीं लड़ेगा, लड़ाई बराबर वालों में होती है। इससे तो तुम ही जीत जाओगे नंबर टू, है ना जॉन? हाँ हाँ नंबर टू, अटैक। ये हैं हमारे ग्रैंड मास्टर। जॉन भी किसी ग्रैंड मास्टर से कम नहीं है, क्यों जॉन? अरे क्यों पिटवा रहे हो? जॉन ये छोटा सा बच्चा है, तुम अगर इससे डर गए तो फुरफुरी नगर में तुमसे कोई नहीं डरेगा। हाँ बॉस, सब लोग हमें मार मार के भगाएंगे, हमसे कोई नहीं डरेगा। मैं हूँ जॉन और जॉन बनेगा डॉन। आज इन्हें बताना होगा कौन हारा और जीता कौन। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? कविता को छोड़ो और सुलाने वाला पाउडर इसमें डालो। चली जाएगी। मोटू पतलू पता करो किसने उन्हें किडनैप किया है। जॉन के ऊपर भी शक नहीं कर सकते क्योंकि कल की मार के बाद वो कुंफू मास्टर्स को किडनैप करने की सोच भी नहीं सकता। मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। मुझे अभी से भिखारी क्यों बना दिया? वो कुंफू मास्टर्स नहीं मिले तो मेरी नौकरी जाएगी और मुझे यही काम करना होगा। चिंगम सर, जिसने भी उन्हें किडनैप किया है, जब खबर मिलेगी कि कुंफू मास्टर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो जरूर देखने आएगा कि ये कौन से नए मास्टर्स हैं, और वापस जाके अपने किडनैप किए हुए लोगों से पूछेगा। बस आप उस पे नजर रखना और हम उसका पीछा करके उसके डेन तक पहुँच जाएंगे। आप लोगों में से कोई आके अटैक तो करो। मोटू आई मीन मोटे वाले ग्रैंड मास्टर आपको डिफेंस करना सिखाएंगे। बॉक्सर जी आप आके अटैक करो यार। अरे न
नहीं नहीं, बॉक्सर को क्यों तकलीफ दे रहे हो? कोई और आओ, आप, आप। ओ सर जी, मैं ही अटैक करूंगा। मुझे तो ये देखना है कि मेरी बॉक्सिंग ज्यादा अच्छी है या फिर आपके कुंग फू। देखो, ये है कुंग फू वॉल डिफेंस। मैं एक दीवार के पीछे छुप गया हूँ और तुम्हें मुझ पे अटैक करना है। अरे मुझे बॉक्सर से क्यों पिटवा रहे हो? अरे मुसीबत में एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। हाँ तो बॉक्सर, मैं एक दीवार के पीछे हूँ, बोलो अब मुझ पे कैसे अटैक करोगे? ओए सर जी, मैं इस वॉल को ही हटा देता हूँ। ये नए कुंग फू मास्टर्स कहाँ से आ गए? बस बस, बहुत हो गया अटैक डिफेंस का खेल। देखा, मेरी बॉक्सिंग आपके कुंग फू से ज्यादा अच्छी है। हमने अभी सिर्फ दो चीजें सिखाई हैं, एक डिफेंस, आप मुझे एक बार भी हिट नहीं कर पाए, दूसरी मजबूती, एक फाइटर का बदन मार खाने के लिए पत्थर जैसा मजबूत होना चाहिए। देखिए, ये ग्रैंड मास्टर आपके इतने पंच खाने के बाद भी जैसे के तैसे खड़े हैं। आप लोग रुकिए, हम नेक्स्ट डेमोंस्ट्रेशन की तैयारी करके अभी आए। अरे इतनी मार तो जिंदगी में कभी नहीं खाई। पतलू, ये चाइनीज मास्टर बनने का तुम्हारा ये आइडिया एकदम फ्लॉप है। मोटू सॉरी, अरे मुझे क्या पता था कि वो इतना मारेगा। चलो बाहर चलो, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब अगली बार मैं डिफेंस करना बताऊंगा और तुम बदन की मजबूती का डेमोंस्ट्रेशन देना। ए, अब तुम अटैक करो, आओ। आपने देखा हमारा बदन कितना मजबूत है, इतनी लाठी खाने के बाद भी हम वैसे ही खड़े हैं। हम अभी आते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग मूव सिखाने के लिए। चुप करो, लोग सुन रहे हैं। अगर तुम्हें इतनी लाठी पड़ती तो मैं देखता तुम कैसे चुप रहते। ये लोग कौन है? अरे माँ, वो जॉन तो जॉन, वो वापस जा रहा है। चलो पीछा करते हैं। मास्टर जी, कहाँ जा रहे हो? क्लास खत्म हो गई क्या? अरे शरीर को मजबूत बनाने के लिए दौड़ना बहुत जरूरी होता है और हम अभी दौड़ने जा रहे हैं। चलो भैया, हम भी मास्टर जी के साथ साथ दौड़ते हैं। चलो। वो दो कुंग फू मास्टर्स कौन है, जल्दी बताओ। वो कहां से आए, वरना ये टाइगर पहलवान तुम सबकी मरम्मत करेगा। हम बताते हैं वो कौन है। तो पतले, तुम कुंग फू मास्टर्स क्यों बने? ताकि हम ये पता कर सके कि असली कुंग फू मास्टर्स को किसने किडनैप किया है और कहां रखा है। The name is Chingam, Inspector Chingam. और चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल, बोले तो यम पॉसिबल। You are under arrest now. डॉन को
पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरे दादाजी ने ऐसे हालात के लिए क्या सिखाया था याद आया। मेरे नाना जी ने सिखाया था लाठी दुश्मन पे कैसे चलाती है। ना धेला ना दमड़ी ना कौड़ी की जोड़ी। ना धेला ना दमड़ी ना कौड़ी मोटू और पतलू की जोड़ी। मोटू और पतलू की जोड़ी। मोटू और पतलू की जोड़ी। सॉरी सर, हमारे यहाँ आके आपको बहुत तकलीफ हुई। हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, हमने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा है। ये सब लोग हमें बचाने के लिए आपका साथ दे रहे थे, ये देखकर बहुत खुशी हुई। मोटू पतलू, तुम लोग बहुत बहादुर हो। जहाँ तुम जैसे लोग हैं, वहाँ किसी कुंग फू कराटे की जरूरत नहीं। अरे मोटू पतलू ने फुरफुरी नगर का नाम खराब होने से बचाया है। अरे मोटू पतलू।